दोस्तों यूं तो दुनिया बहुत बड़ी है और ये बहुत से पनौतियों से भरी पड़ी है। आज हम बात करेंगे तीन ऐसे पनौतियों के बारे में जो खुद में ही एक बहुत बड़े पनौती हैं। इन्हें देखकर लगता है कि जब पनौतियों के लड्डू बट रहे थे तो ये लाइन में सबसे आगे खड़े थे। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये है MK, पुराने ख्यालों के, और ये लोगों को पीटने में बहुत आगे हैं, पर ये सबसे ज्यादा परेशान अपने भाई मुन्ना से हैं। ये है मुन्ना, MK का छोटा भाई। यूं तो ये आगे तक की सोचता है, पर ये जब भी कोई काम करता है ना, वहां कुछ उल्टा पुल्टा ही करता है। यह है डॉक्टर बी। इनका सपना डॉक्टर बनने का था। ये झूला छाप बनकर रह गए। बीमारी कितनी भी छोटी हो जनाब, ऑपरेशन ही बोलते हैं। बड़ी गंभीर समस्या है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। इन तीनों की अलग ही कहानी है, चलिए खुद ही देख लीजिए। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा। इस चैनल को और प्रेस कीजिए इस घंटे को ताकि आप दूसरा अपडेट बिल्कुल भी मिस ना करें। अरे भैया इतनी जोर से लात क्यों मार रहे, सारे नेट बॉल ढीले कर दिए। अच्छा, और जो तूने मेरे दोनों डबरे ला दिए उसका क्या? साला इतनी जोर से तो घोड़ा भी लात ना मारता जितनी जोर से तूने मारी है। सॉरी ब्रो। अच्छा ठीक है ठीक है, अभी फ्रेश हो जा, थोड़ा काम है तुझसे। अरे भैया दर्द होता हो तो झंड बाम लगा लेना। मैं लगा लूंगा, अभी तू फ्रेश हो जा। हाँ क्या कह रहे भैया? मुन्ना ये ले, सब्जी खत्म हो गई है, बाजार से सब्जी ले जाके। अरे मुन्ना रुक, ये 20 रुपये और ले, बाजार से आते वक्त खलील भाई की दुकान से अंडे ले लेना। और हाँ, इस बार कुछ भी उल्टा पुल्टा मत कर दियो। यार कहीं ऐसा ना हो जाए बाजार से आते वक्त अंडे भूल जाऊं, इसलिए पहले अंडे ले लेता हूं। खलील भाई दो अंडे दियो। अच्छा भाई। भैया एक पान देना मसाला मार के। अच्छा भाई। और सुनाओ भाई, सब बढ़िया? हाँ सब ठीक है, बस अपने नालायक भाई से थोड़ा परेशान रहता हूँ। वैसे कहाँ है वो? वो बाजार गया है, आता ही होगा। हाँ भैया चूना कितना लगाऊं? क्या बोला तू? हमें चूना लगाएगा? मैं मुन्ना नहीं उसका भाई हूँ, मुझे चूना लगाना बहुत मुश्किल है। अबे भोसड़ी के पान में कितना चूना लगाऊं? अरे भाई थोड़ा सा लगा दो। अबे ले पकड़ और निकल। आजा भैया आजा, थोड़ा बचाए थोड़ा, ताजा माल होगा ताजा। आलू ले, बैंगन ले, लौकी ले, तुरैया ले, कद्दू ले। हाँ भैया आलू कैसे दिए? आलू भाई 70 रुपये किलो। 70 रुपये किलो? हाँ। फिर तो ये बहुत महंगे हैं भाई, यही भाव चल रहा है। फिर तो ये बहुत भाव खा रहा है यार, कोई सस्ती सब्जी बताओ। सस्ती सब्जी लेगा? हाँ। महंगी सब्जी नहीं लेगा ना? तो फिर तू कद्दू ले ले। ओए तमीज से बोल, तमीज से। अरे भैया नाराज क्यों हो रहे हो यार, मैं तो इस कद्दू की बात कर रहा था। अरे यार मैं समझा तू मुझे गाली दे रहा है। अच्छा ये कितने का है? कद्दू 20 रुपये किलो। और ये? 25 रुपये किलो। और ये? 30 रुपये किलो। पैक कर दो।
भैया सब्जी ले आया मैं। ले आया? आलू, प्याज, बैंगन, कद्दू। अंडे नहीं लाया? लाया ना भैया, नीचे हैं। अबे नालायक, ये क्या क्या तूने सारे अंडों का जूस निकाल दिया? सॉरी ब्रो। रुक जा, तेरा जूस अभी मैं निकालता हूँ। कुछ जूस का आमलेट बना के खा लेना। और भाई कैसे उदास बैठे हो? मैं अपने भाई का क्या करूं, वो कुछ भी काम ठीक से नहीं करता। भाई एक ऐसा शख्स है जो मुन्ना को ठीक कर सकता है। कौन है भाई बताओ? डॉक्टर बी, अभी एक नया क्लिनिक खुला है, वहाँ बहुत भीड़ रहती है। ठीक है, इसका इलाज फिर वहीं करवाएंगे। पता नहीं डॉक्टर साहब, कल रात से बुखार नहीं जा रहा है। बड़ी गंभीर समस्या है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। बुखार आपके हड्डियों तक पहुंच गया है। पर डॉक्टर साहब, ये बुखार हुआ कैसे? आपने आलू बुखारा का ज़्यादा सेवन किया है, जिससे आलू आलू तो पच गया, बुखार आपकी हड्डियों में रह गया है, तो तुरंत ऑपरेशन करना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, ऑपरेशन कर देना। ठीक है, अंदर जाकर लेट जाओ। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते, कहो क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब, ये मेरा भाई है, ये बड़े उल्टे पुल्टे काम करता है, ये कोई भी काम ठीक से नहीं करता है। मुझे तो लगता है इसका दिमाग ख़राब हो गया है, आप इसे ठीक कर दो। देखो, हमें इसकी कुछ जांचें करनी होंगी। तो कर दीजिएगा ना डॉक्टर साहब। चलो आओ अंदर को। बड़ी गंभीर समस्या है, इनके दिमाग में वायरस घुस गया है, इनका दिमाग अपडेट करना होगा। आप अपडेट करो या रिस्टोर करो, बस ठीक कर दो इसे। ठीक है, मैं आपको एक सिरप देता हूँ, रोज सुबह इन्हें गुनगुने पानी से पिलाते रहना। डॉक्टर साहब, अगर इस सिरप से फायदा ना हुआ तो हमें इनका पेट फाड़ के ऑपरेशन करना होगा। अरे नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो मजाक कर रहा था, क्यों नहीं फायदा होगा, जरूर फायदा होगा। चल मुन्ना। ले मुन्ना, जल्दी से शीशी का ढक जा। ओ मुन्ना, क्या हुआ? मुन्ना मुन्ना मुन्ना, मैं कौन हूं? मैं कहां हूं? तू मंगल ग्रह पे है और तू बहुत बड़ा पनौती है। मंगल ग्रह? अबे क्या हुआ तुझे, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? मुझे तो लगता है ये सीसीपी के तेरा दिमाग खराब हो गया है। अगर ऐसा है तो इस डॉक्टर को छोड़ूंगा नहीं मैं। ओ डॉक्टर, ये कैसी सीसी दी है तूने? इसे पीने के बाद मेरा भाई बहकी बहकी बातें कर रहा है। देखो कौन सी सीसी दी है आपको। अरे यार, ये सीसी तो एक्सपायर है, अब क्या होगा, कोई बहाना मारता हूँ। सीसी तो ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, अंदर मरीज खुला पड़ा है। मैं कुछ नहीं जानता, मेरे भाई को ठीक कर वरना बहुत मारूंगा। चलो फिर आपके भाई को देख लेते हैं। आना। वो देख भाईजान। अरे भैया आ गए, कहाँ चले गए थे आप? क्या बोला तू, फिर से बोल। भैया बोला।
इसका मतलब तू ठीक हो गया? अरे मेरा भाई ठीक हो गया, अरे मेरा भाई ठीक हो गया। मुन्ना अब मैं किसी डॉक्टर के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, अब तेरा दिमाग ठीक करने के लिए मैं देसी नुस्खा आजमाऊंगा। मुन्ना तू एक काम कर, कल से दूधिया से दूध ले आया कर और तू दूध पी। ठीक है भैया, ले आऊंगा दूध। लेखा और दुधारी सेठ, तुम का तुम? मैंने तुम्हें कहीं देखा है? 5 साल से दूध बेच रहा हूँ, देखो वह कौन का लेना हुआ। दूध लेने आयो? वैसे किस किस का दूध बेचते हो आप? तो काय को चाहिए? गाय को, भैंस को, बकरिया को, कुतिया को, सुअर को, काय को ले? बकरी का। बकरिया ले? हाँ। चलाओ, दे रहा हूँ तुम्हें। लो पकड़ो। अरे ये तो कुतिया है। कुतिया ना जा, बकरिया है। अरे कुतिया है। संगत को असर सुनो तूने? आहा। बस भय हो जाए। कैसे? जब कुत्ता कुतिया में ज्यादा बैठा था इसलिए कुतिया जैसी दिख रही है, मगर है बकरिया। जा दे दो भैया। दे रहा हूँ। आज बेटा ऐसो दूध पियाऊ सब दीवार रगड़ दियो तू। ले भैया 50 रुपए दे, गल के रहिए। ओ मुन्ना पागल हो गया क्या? ये कुत्ते की तरह पीठ क्यों घिस रहा है? भैया खुजली हो रही है मुझे। खुजली हो रही है तो इंसानों की तरह खुजा ना, कुत्ता क्यों बना पड़ा है? भैया जब से मैंने दूध पिया ना, जब से ही खुजली हो रही है, मुझे तो कुछ दूध में ही गड़बड़ी लग रही है। अच्छा ऐसी बात है, तो चल मेरे साथ उसे अभी मजा चखाते हैं। अबे दूधारी सेठ कहाँ? ये तो डॉक्टर भी है, लगता है मुन्ना ये तुझे मारने पे तुला है। छोड़ेंगे नहीं भैया, आज आ जाओ। पकड़ साले को। मुन्ना उधर से पकड़। वो देख भैंसिया भैंसिया भैंसिया। पकड़ सुगर को।